पंजाब विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां हुई तेज। श्रोमणी अकाली दल ने मुख्यमंत्री और पार्टी प्रधान सुखबीर सिंह बादल को सौंपे उम्मीदवारों के चयन के सभी अधिकार। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष विजय सांपला ने कहा, दिसंबर में जारी होगा मैनिफेस्टो। पंजाब के सूबा गठन की 50वीं सालगिरह पर आज लुधियाना के गुरु नानक स्टेडियम में होगा भव्य कार्यक्रम। उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल और शिक्षा मंत्री दलजीत सिंह चीमा करेंगे शिरकत। 1984 सिख दंगा मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में जज बदले जाने की याचिका पर सुनवाई आज। सीबीआई भी रखेगी अपना पक्ष। पिछली सुनवाई में सीबीआई ने सज्जन कुमार के जज बदलने की मांग को ठहराया था गलत। पंजाब के उप मुख्यमंत्री ने दलित छात्रों की स्कॉलरशिप में गड़बड़ी के कांग्रेस के आरोपों को किया खारिज। कांग्रेस ने 472 करोड़ रुपए का सरकार से मांगा है हिसाब। बीजेपी अध्यक्ष विजय सांपला ने कहा, बिना जानकारी बयानबाजी कर रही है पंजाब कांग्रेस। नशे के खिलाफ पंजाब पुलिस का हल्ला बोला, अमृतसर में आज नशे की बड़ी खेप को नष्ट करेंगे पंजाब के डीजीपी सुरेश अरोड़ा। मीडिया से भी होंगे मुखातिब। प्रदेश में एनडीपीएस एक्ट को सख्ती से लागू करने पर रह सकता है जोर। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के डॉक्टरों को दिया बंपर दिवाली गिफ्ट। डॉक्टरों की रिटायरमेंट उम्र 62 से 65 साल की गई। प्रशासनिक अधिकारियों की रिटायरमेंट उम्र भी 58 साल तक बढ़ाई गई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। भारतीय चौकियों और शहरी ठिकानों को बनाया निशाना। सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व के मौके पर श्रद्धालुओं को श्री पटना साहिब के दर्शन कराएगी पंजाब सरकार। पंजाब के अलग अलग गुरुद्वारों से जल्द रवाना होगी विशेष बसें। 1 दिसंबर से 7 जनवरी 2017 तक श्रद्धालुओं को मिलेगी यात्रा सुविधा।